अरबाज भाई ये मालूम ये करना चाहते हैं इख्तलाफ मसाइल के अंदर पीर साहब के खिलाफ वाले उलमा ग्रोह पर अमल कर सकते हैं, कोई इसमें बेदबी वाला मसला तो नहीं है? यानी उलमा के दो ग्रोह हैं, किसी मसले पर एक सिमत पीर साहब का अमल है वो उस सिमत वाले उलमा को जायज़ समझते हैं और आप दूसरे इनके अगेंस्ट जायज़ समझना चाहते हैं तो अमल कर सकते हैं। लेकिन इस बात में एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जो आप अमल करेंगे, जिस उलमा के ग्रोह के फतवे पर अमल करेंगे, उसको आपको दुरुस्त भी मानना पड़ेगा, उसको जायज़ और सही समझना पड़ेगा, उसके बाद ही अमल करेंगे। अगर मौतकिद का एतकाद उसके ख़िलाफ़ है, यानी राय में ख़िलाफ़ है उलमा के, और फिर अमल करेंगे तो गुनाहकार होंगे। मसलन ये कि आप जिसके जिस फतवे पर अमल करना चाहते हैं जिन उलमा के, उनको आपको दुरुस्त मानना पड़ेगा कि ये मसला सही है, उसके बाद ही अमल होगा। नाजायज़ समझते हुए किसी काम को अमल करना, ये भी जो है ना गुनाह है, फिर इसके अंदर आपको गुनाह मिलेगा। बाकी तरीकत या पीरी मुरीदी में कोई इसमें इख्तलाफ नहीं होगा, अगर आप करना चाहें अमल तो कर सकते हैं।